देश का मौसम लगातार बदल रहा है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी और बिहार में सुबह शाम की हल्की ठंड पड़ना शुरू हो गई है। वहीं दक्षिण में इस वक्त बारिश का अलर्ट खत्म नहीं हो रहा है। तमिलनाडु में 3 दिनों का बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक तमिलनाडु में बारिश के आसार हैं। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी दर्ज हो रही है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ना शुरू हो गई है। बता दें कि उत्तर भारत में हवा का रुख बदलने लगा है। सुबह और शाम में मौसम बदला बदला नजर आ रहा है। ऐसे में इस बार कितनी ठंड पड़ेगी, इसका एक अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के एक अनुमान के मुताबिक इस साल देश में ठंड ज्यादा ठिठुरन पैदा करने वाली होगी। इस बार की ठंड पिछले कुछ सालों की तुलना में ज्यादा तेज होने वाली है। अगर दिल्ली NCR के मौसम की बात करें तो यहाँ पर लगातार मौसम बदल रहा है। सुबह शाम की ठंड लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में भी हवा दूषित होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब श्रेणी में पहुंच रहा है। बात अगर झारखंड के मौसम की करें तो यहाँ पर बड़ा बदलाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में दिखेगा। अक्टूबर के महीने में राज्य में तापमान और बारिश की स्थिति सामान्य रही। 1 से 31 अक्टूबर के बीच राज्य के औसत न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई खास परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थिति वाराणसी में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। यहाँ पर सुबह शाम की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर पड़ रही बर्फबारी के चलते यहाँ की ठंड में इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।